पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स अदिति हियर। तो भाई मेरी तो मॉर्निंग हो चुकी है बिकॉज अभी जैसे चालू हो गया लेक्चर और अभी मेरा दो लेक्चर जस्ट ख़त्म हुआ, 8 बजे से था, अभी 10 बज रहे, दो लेक्चर जस्ट ख़त्म हुआ, अभी तीसरा है 5-10 मिनट में। तो मैं जल्दी जल्दी फ्रेश अप हो जाती हूँ, थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि फिर वापस से लेक्चर चालू होगा तो फिर चलता रहेगा 1-2 घंटा। तो फिर मैं लेक्चर अटेंड करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो यस, अभी मैं फ्रेश वगैरह सब हो चुका है मेरा और मतलब सीन कुछ ऐसे है कि मैं इतने दिन से इनएक्टिव थी, कुछ बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव थी। यस, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब कैसा हो गया था कि गणपति बाप्पा आ गए थे, फिर उसके उसमें सब गेस्ट आ गए थे, फिर उसमें इतना सा भी नहीं मुझे टाइम मिला कि मैं कैमरा उठा के शूट करूँ, वीडियो एडिट करूँ कि क्या करूँ, मेरे पूरा लिटरली मेरे पूरे दिमाग से निकल गया था। तो इसके वजह से ना मैं कुछ शूट कर पाई ना एडिटिंग कर पाई और उसके लिए दिल से सो सॉरी। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे तो लेक्चर्स हो चुके हैं और नाश्ता पानी भी हो चुका है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाऊँ और मैं खाने के लिए बाहर जाने वाली थी तो उतने में मेरी बहन ने बोला कि चल ठीक है मैं तेरे लिए बना देती हूँ, तेरे को क्या खाना है बोल करके। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को पाव भाजी खाने का मन है और उसने बोला ठीक है चल, वैसे तो उसने बनाया था थोड़ा टाइम पहले बट उसने बोला ठीक है चल तेरे लिए बना देती हूँ। तो अभी वो मेरे लिए पाव भाजी बना रही है और मैं दिखाती हूँ उसका लाइक क्या चालू है उसका। तो लेट्स सी, हम लोग जाके देखते हैं कि अभी क्या किधर तक पहुँचा उसका काम। एक और चीज़ बताने वाली थी, शिट मैं भूल गई यार, आज का वेदर बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। एक चीज़ है कि आप लोग मेरी बात पे मे बी एग्री करो या ना करो, वेदर इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। और ऐसे वेदर में हमें क्या लगता है कि लाइक ऐसे वेदर में साइकिलिंग या फिर राइडिंग या फिर लाइक कहीं पे बाइक पे घूमना या फिर जिसके पास बाइक है वो बाइक पे साइकिल पे, तो बारिश का मज़ा लेते हुए आप पीछे का व्यू देखो, जस्ट हैव अ लुक। हमेशा की तरह बहुत अच्छी हवा चल रही है, मे बी आपको मेरा वॉइस प्रॉब्लम होता रहेगा, सॉरी यार। सच में मुझे यहाँ से घर पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी अच्छी लाइक सीरियसली बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग ये बताओ कि जब ऐसा कुछ मौसम होता है तो मोस्ट ऑफ आप लोग क्या करना चाहते हो, लाइक कि जैसे किसी किसी का मन होता है कि कहीं घूमने के लिए जाए, किसी किसी का मन होता है कि घर पे कुछ गरम गरम बना के खाए, किसी किसी का मन होता है कि कई दोस्तों की इधर जाए, किसी को मिलने जाए, बट किसी किसी को कैसा रहता है कि बस पड़े रहो घर पे आलसी की तरह। और उसमें से मैं बताती हूँ मेरा कैरेक्टर क्या है, जब ऐसा कुछ मौसम होता है तो मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे जाऊँ, कहीं पे घूमने के लिए जाऊँ। फ्रेंड्स का तो पता नहीं क्योंकि सब लोग बिजी रहता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ कहाँ ऐसे दूर दूर जाऊँ, बट कैसा साइकिलिंग है और फिर मैं कहीं पर जा नहीं पाती हूँ। दिस इज़ अ मेन रीज़न कि मेरा सब ये हो जाता है, प्लान फ्लॉप हो जाता है कि सब जितना भी अच्छे अच्छे प्लेसेस है मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। जब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ ऐसा रूल निकला है करके कि जिसका डोज मतलब सेकंड डोज हो जाएगा वही ट्रेन में जा सकता है करके, तो मेरा तो फर्स्ट हो चुका है बट सेकंड डोज का मैं वेट कर रही हूँ और सेकंड है मेरा नवंबर में, उसके बाद मुझे ट्रेन में ट्रैवल करने मिलेगा अनलेस नहीं जा सकते ट्रेन में। तो जब तक ट्रेन में नहीं जा सकते तब तक कहाँ जाऊँ, साइकिल से कितना दूर जाऊँगी जा के भी। तो अगर मेरे को कहीं दूर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ट्रेन से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। यस, सो ठीक है, अब बहुत बातें कर लिया, अब चलते हैं, देखते हैं मेरी बहन क्या उसने क्या आगे का उसका प्रोग्राम चालू है, लेट्स गो। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या डाला तूने वो तो बता दे। कांदा है और मिर्ची है, तो और कुछ नहीं डाला है। अच्छा, और ये पेस्ट बना रही है अदरक लहसुन का। तो अभी मेरा पाव भाजी बन गया है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा। हाँ मेरा मतलब तूने ही तो बनाया। ये रहा पाव भाजी, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है।
बहुत अच्छा है, बहुत मस्त बना है। थैंक यू यार मेरे लिए बनाने के लिए। तो फाइनली खा पी के भी हो चुका है और मैंने थोड़ा सा खा पी के तो हो चुका था, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ, तो इसकी वजह से मैं सो गई थी। और अभी थोड़ा टाइम हो गया, मैं सो के उठी और मैंने अभी ट्यूशन लिया बच्चों का, तो अभी सब कुछ हो चुका है। तो मैं भी आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, 4-5 दिनों से। इसकी वजह से मैं 4-5 दिनों से मैं क्लास भी नहीं जा पाई, क्लास का भी मेरा बहुत छुट्टी हो गया। और अगर आज तो मैंने दवा फिर भी लिया वापस से, बट कल अगर मुझे ठीक लगा तो कल फॉर श्योर जाऊँगी क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया बट आई थॉट कि मैंने जो भी किया मैं आपके साथ शेयर करूँ। यस सो एंड वंस अगेन सो सॉरी जो मैं इतने दिन से इनएक्टिव थी। जल्दी मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। हैज़ आई से पीस आउट।